हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काठियावाड़ी स्टाइल दम आलू की रेसिपी। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि दम आलू के लिए ग्रेवी कैसे प्रिपेयर की जाती है, आलू को फ्राई कैसे किया जाता है और उसके लिए स्पेशल मसाला कैसे बनाया जाता है। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने छोटी साइज के आलू लिए, मतलब कि बेबी पोटैटोज लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हम बेबी पोटैटोज को ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और फिर पानी ऐड कर देते हैं और फिर इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 विसल तक कुक कर लेते हैं। हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 80% तक ही कुक करना है। चलिए अब हम दम आलू के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें जीरा, धनिया, सौंफ और तिल ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। हम इन सारी चीजों को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गया है। तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए सेम पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को 1 मिनट तक भून लेते हैं। अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हम इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और हमने जो तेज पत्ते ऐड किए हैं उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने जो मसालों को रोस्ट किया था वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक पाउडर बना लेते हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और हमारा दम आलू के लिए मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने जो टमाटर, अदरक और लहसुन को कुक किया था उसे भी हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में कश्मीरी लाल मिर्च लिया, जिसे मैंने 10 मिनट पहले गर्म पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं और इसमें सिर्फ लाल मिर्च ही ऐड करेंगे, इसमें हम उसका पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दम आलू के लिए टमाटर की ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाकर रेडी कर ली है। हमने जो आलू को बॉईल करने के लिए रखा था वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पील कर लेते हैं, इसके छिलके निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सभी आलू के छिलके निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फोक लिया है, उसकी हेल्प से हम आलू में इस तरह से पिक करके इसमें से छोटे छोटे होल्स प्रिपेयर कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने सभी आलू को फोर्क की हेल्प से होल बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है जिसमें हम 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है हम इसमें हमारे जो आलू हमने जो बॉईल किए थे उसे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम आलू को 2 बैच में फ्राई करेंगे। अब हम आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसकी जो आउटरिंग लेयर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 3/4 कप दही ऐड करेंगे यानी कि कर्ड ऐड करेंगे। मसालों में हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था दम आलू का उसे इसमें ऐड कर देते हैं और विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो आलू को फ्राई किया था उसे इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि सारे आलू जो है वो दही और मसाले से अच्छी तरह से कोट होने चाहिए। देखिए हमारे सारे आलू अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। तब तक हम हमारी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए जिस कढ़ाई में हमने आलू को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में हम ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। पर मैंने फ्राइंग के लिए तेल ज्यादा लिया था इसलिए उसमें से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। अब हमारा तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप की हुई प्याज। अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। देखिए हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें हमने जो टमाटर की ग्रेवी प्रिपेयर की थी उसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें हमने जो आलू को मैरिनेट करने के लिए रखा था उसे इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दही ऐड किया है इसलिए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 ग्लास हल्का सा गर्म पानी लिया है जिसे मैंने मिक्सी के जार में ऐड कर दिया था, जिसे अब हम ग्रेवी में ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो गया है, मतलब कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और आप देखिए कि ये कितनी अच्छी तरह से बनी है। यहाँ पर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा दम आलू बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दम आलू बना डाला लेकिन इसमें हींग तो डाली ही नहीं। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करते हैं और अब हम इसके ऊपर गरम तेल ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर मैंने तड़का पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, जिसे अच्छे से गरम कर लिया है। इसे इस तरह से ऐड करने से क्या होगा कि हींग की जो खुशबू है वो सारी सब्जी में बहुत ही अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बढ़िया आएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यम्मी और टेस्टी दम आलू बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है ना। तो चलिए हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दम आलू को पूरी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे रोटी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते है। दम आलू देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना फ्रेंड्स, ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।